अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और जो है मैं जो है अफ्तारी की तैयारी हुई, सब मिलके अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी जो है मैं यहाँ पर कीमा बना रही हूँ। कीमा हम बना रहे हैं, कीमा वाले समोसे बनेंगे, ठीक है। कीमे वाले समोसे बनेंगे, सब्जी वाले समोसे बनेंगे, जो चिकन चाइनीज समोसे होते हैं। चिकन उबल रही है इधर, और यहाँ पर हमने बेसन करके रख दिया है। नमाज़ वगैरह सबने पढ़ ली थी, उसके बाद हम लोग किचन में आ गए हैं। असर के टाइम का वक्त है ये, असर के टाइम के बाद का वक्त है ये, और पहला रोज़ा है। माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं पता चला, क्योंकि बारिश हो गई थी हल्की हल्की, मौसम बहुत अच्छा था, तो जिसकी वजह से जो है ना बिल्कुल नहीं पता चला। चले जी, यहाँ पर जो है कीमा हमारा हो गया था तैयार। उसकी फिलिंग कीमे की फिलिंग छोटी हो गई थी। अब हम बना रहे हैं चाइनीज रोल, ठीक है। उसके लिए हमने चिकन की रोटी बना के रख ली है, लो भैया। और यहाँ पर जो है सारी सब्जियाँ डाल के उसको सौते कर लिए, और साथ ही यहाँ पर जो है चटनी बनी हुई है। चटनी दिखाओ, और पकौड़ों का सामान भी हम बाद में दिखाएंगे। हम लोग ही बनाएंगे, बस टेंशन नहीं लो यार, बना लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर मैं आपको समोसा बनाना बता देती हूँ। जो लोग जिन लोगों को नहीं आता पट्टी से समोसा बनाना, आड़े टेढ़े बनाते हैं, बिल्कुल शेप में आएगा। और ये बहुत तरीके का है, ये देखें इस तरह के से डालें, ठीक है। फिलिंग कम रखें, क्योंकि आपको पता है कि घर के समोसे हैं और अच्छे बनते हैं। बना ट्राई एंगल, और ये वाला, ठीक है। ये वाला भी बनाया अभी मैंने, ये वाला ट्राई। ये देखो अभी मैं आपको तरीका बता देती हूं। ये लोग सारे, ये देखो यूं करके सही आ रहा है एंगल, ये देखें इसको यूं करके और फिर यूं करते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका, और इसमें जो है आप डालें फीलिंग, उसके बाद आप इसको यूं करें, ठीक है, और फिर इसको यूं करें। ये देखें, ये देखें अम्मी कितना अच्छा बनाया। नहीं, मैं उधर रोल का समोसे का वो रोल का बनाने जा रही हूँ। देखें क्या बनाया, ये काटे बनाए हैं, पोटरी लग रही है। इतना मुश्किल नहीं है भाई, ये देखो यार, ये देखो ये नहीं आना, छोड़ दो। पहले तो इसको डरा हुआ था, हम आप बनाया, मैं दिखा रही हूँ, नहीं कर रहा। नहीं नहीं सही है भाई, दोनों बना रहे हैं ना भाई। मैं कीमा बना रहा हूँ। देखिए अब बेसन की हो रही तैयारी, और जो है वैसे तो आज मेरी बारी है, लेकिन अम्मी ने कहा है रमजान में किसी की बारी नहीं। हम तीनों मिलके किचन में काम कर रहे हैं, जिसके हाथ में जो भी आ रहा है पड़ रहा है। और कीमे के लिए भी मुझे सब कुछ काट के दिया, और सब्जी के रोल बनाया उसने भी मुझे सब कुछ काट वाट के दिया। बस ये कि उसको मिलाया है मैंने डेगची में डाल के, और यहाँ किरण मेरे साथ है किचन में, मेरा पापड़ है, पापड़ भी तकना। हाथ पाथ धोकर ये सब काम होता है, और मैं किचन में हमेशा हाथ पाथ धोकर आती हूँ। और ये पोटियाँ क्या है, ये सस्ता वॉर्म टर्म है, चलाने वाला। ये रोल बन नहीं हुआ, ये रोल किसका है मम्मा? ये रोल फिगर का है, और ये पोटली की साइज है। ये रोल मेरी उंगली के बराबर है, हाँ छोटे का बनाया मम्मा। अब आज यहाँ पे खजूर चले गए, अच्छा ये बता, खजूर ही खजूर।
खराब नहीं करना पर वकाल गलत खोल लो। ये लोग सब लगे हुए हैं यहाँ पर, मैं आराम कर रही हूँ। अभी मैं आई हूँ किचन से बनाकर रोल का मसाला। यहाँ आयमा देखें क्या खाई। आयमा रोजा नहीं है, रोजा नहीं है आपका। यहाँ देखें खिचर खिचर भी बेहता हुआ है हमारा, खिचर भी बेहता हुआ है। चोनू मोनू चोनू मोनू चोनू मोनू चोनू मोनू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जैगम का रोज़ा है, लेकिन अभी तक जैगम ने कोई बुरा वाला रिस्पांस नहीं दिया, अच्छा रिस्पांस दिया ही अजरा है। अजरा आपको को देख के अच्छा बात ही करनी। वहाँ देखो मशरूम, यहाँ देखिए जी, यहाँ पर जो है सलाद बन रही है और मैं यहाँ पर लेटी हूँ ज़मीन पे, तो ठंडा फ्रेश हो रहा है। और ये लोग सब जो है ना, ये देखिए अभी 5 बजे और इन लोगों अभी जरूर रोज़ा लग रहा है। तहारी के साथ जो है ना, खाने में तहारी बनेगी और अफ्तारी बनेगी, तो जो है ना तहारी के साथ ये लोग सलाद काट रहे हैं दोनों खड़े होके। और किस किस तरह जो है इस तरह जो है ना लड़के काम करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर जैगम भी कुरान पढ़ रहा है और जो इनका सिपारा है ना, मैंने कहा भाई जो भी आपका कुरान चल रहा है वो आप लेके बैठो, अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है तहारी बन रही है, साथ में यहाँ पर पकौड़े बनना शुरू हो गए हैं और आयमा भी उठ गई है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम जल्दी जो है पकोड़े वगैरह फ्राई कर रहे हैं और मैंने साथ ही तहारी भी चढ़ा दी थी। भाभियाँ दोनों मिलके जो है पकोड़े बना रही थी और समोसे और रोल हम लोग तल लेंगे। अच्छा टाइम भी होने वाला था और आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने यानी कि हम लोगों ने समोसे वगैरह रोल वगैरह हाथों हाथ क्यों बनाए। तो जी हुआ ये था कि फ्रिज का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज भी ठीक हो गया, तो अम्मी ने कहा कि भाई अभी पहला रोज़ा है और जो भी हो रहा है जैसा भी बना के रख दो, थोड़े थोड़े बना लो और फिर बाद में बना के फ्रिज में रख देना, तो वो हम कर लेंगे। और फिर आपको थोड़ी थोड़ी अफ्तारी जैसा भी हम बनाएँगे वो आपको दिखाते रहेंगे। समोसे इतनी देर से डले हैं लेकिन सिक्के ही नहीं दे रहे हैं, और ये तो फटाफट होने वाले हैं। डालो और फ्राई। अभी नहीं हुआ ना कुछ, पूरा ही अभी समोसा मिला हो गया इसमें। शुक्र है मेरे मालिक का कि पहला रोज़ा हम सब का खैर वाफ़िया से गुज़र गया है। और यहाँ पर जो है मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और डेली व्लॉग में मैं कभी इफ्तार का दिखा दूँगी, कभी मैं सहरी का दिखा दूँगी आपको। और यहाँ पर जो है मैं नमाज़ पढ़ने के बाद चाय वगैरह पीऊँगी क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था, और रेस्ट करूँगी। आप सब भी नमाज़ पढ़ें और दुआएँ करें एक दूसरे के लिए। और यहाँ पर जो है मैं व्लॉग भी एंड करती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।